नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। वामपंथी और कट्टरपंथियों की फौज लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के साथ ही देश के खिलाफ जहर उगलती रहती है। जब इस गैंग पर एक्शन लिया जाता है तो ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकार के उल्लंघन की दुहाई देने लग जाते हैं। एक बार फिर से 5 साल बाद असम के कलाकार की ओर से बनाई गई भगवान श्री कृष्ण और तिरंगे की आपत्तिजनक पेंटिंग का मामला गर्मा गया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली पेंटिंग असम के पेंटर अकरम हुसैन ने बनाई थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाकर अपनी घृणित सोच को दर्शाने वाले अकरम हुसैन ने जब इस पेंटिंग को अप्रैल 2015 में गुवाहाटी स्थित स्टेट आर्ट गैलरी में इसे प्रदर्शित किया गया था, तब भी इसका खासा विरोध हुआ था। उस समय असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब इस पेंटिंग को लेकर प्रदर्शन हुआ था तब हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए FIR भी दर्ज कराई थी। हिंदू जागरण मंच ने अकरम हुसैन पर श्रीकृष्ण को आपत्तिजनक और अश्लील अवस्था में दिखाने के लिए मामला दर्ज कराया था। इस FIR के आधार पर केस भी फाइल हुआ था। उस वक्त गुवाहाटी के DCP रहे अमिताभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी की थी। जब 2015 में इसे लेकर विवाद ज्यादा बढ़ा तो पेंटर अकरम हुसैन ने माफी मांगते हुए इस पेंटिंग को हटा लिया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया था क्योंकि कांग्रेस को अपने वोट बैंक का खोने का डर था। मगर अब सूबे में BJP की सरकार है तो इस पर फिर से एक्शन लेने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर 5.25 साल बाद वायरल हो रही इस पेंटिंग में देखा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बियर बार में खड़े हैं। उनके पीछे वाली रैक पर शराब की कई बोतलें रखी हुई हैं। साथ ही साथ युवतियों को अश्लील अवस्था में उनके आसपास और उनसे लिपटे हुए दिखाया गया है। ये सभी युवतियां बिकनी पहने हुए हैं। अकरम की ओर से बनाई गई इस घटिया पेंटिंग पर एक बार फिर से हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन ने भी इस पेंटिंग पर आपत्ति जताते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से अकरम हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संस्था ने इस पेंटिंग को ऑफेंसिव करार देते हुए कहा है कि सरकार को पेंटर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन में गोपियों के साथ की गई रासलीला, राधा के साथ उनके प्रेम संबंध और 16,000 रानियां वाली कथाओं को अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है। हालांकि जब गोपियों के साथ वो शरारत करते थे तब वो बच्चे थे और जिन रानियों को उन्होंने एक क्रूर राजा के चंगुल से आजाद किया था उनके साथ उन्होंने विवाह किया था ताकि उन्हें समाज में स्वीकार्यता दिलाई जा सके। लेकिन वामपंथी और लिबरल गैंग बिना कुछ जाने आलोचना का आदि रहा है। हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ये गैंग श्री कृष्ण भगवान पर मनगढ़ंत कहानियां पेश करता रहा है। दरअसल साल 2015 में ही अकरम हुसैन की एक अन्य पेंटिंग भी विवादों में आई थी। ये पेंटिंग तिरंगे की थी। इस पेंटिंग में अकरम ने दिखाया था कि तिरंगे जैसी आकृति में से शराब की बोतलें और अंडर गारमेंट्स निकल रहे हैं। इस पेंटिंग के सामने आने के बाद गुवाहाटी में बहुत विवाद हुआ था। इसे एक प्रदर्शनी में लगाया गया था जहां वकील धर्मनंदा ने इसे देखकर FIR दर्ज करवाई थी। उनके अलावा हिंदू संगठनों ने भी इस पर विरोध जाहिर किया था। कुछ संस्थानों ने हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि वामपंथी और लिबरल गैंग ने इसे कलाकार की अभिव्यक्ति कहते हुए हुसैन को बचाने का प्रयास किया था, मगर अब यह मामला फिर से तूल पकड़ गया है और अब अकरम हुसैन पर एक्शन लेने की मांग जोर पकड़ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।